अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो फाइनल टर्म है उसमें 50% वेटेज है फाइनल टर्म का, और आपको पास होने के लिए फाइनल टर्म में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि आपको पता है कि विलचो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है कि 20% मार्क्स आपको मिड टर्म क्विजेज में लेने हैं और 20% मार्क्स आपको फाइनल टर्म में लेने हैं। ठीक है, आपको 80 नंबरों में से एटलीस्ट आपको 24 नंबर लेने हैं सिर्फ पास होने के लिए। उसके अलावा आपको, अगर आपका मिड टर्म का पेपर अच्छा नहीं हुआ मतलब 7 नंबर आपके 20% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, तो आपको फाइनल टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है पास होने के लिए। सिर्फ आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, 24 नंबर आपने सिर्फ 20% मार्क्स के लिए हासिल करने हैं, और आपको पता है कि 50% नंबर वाला पास है टोटल। अगर आप 20% मिड में 20% फाइनल में, तो ये टोटल 40% बनेगा, और यू बी विल बी कंसिडर्ड एज फेल, क्योंकि 20% मार्क्स और 20% मार्क्स ये 40% बनते हैं, 50% नहीं बनते। एटलीस्ट पास होने के लिए विलचो यूनिवर्सिटी ने बताया कि आपको 20% से अबव मार्क्स गेन करने हैं, अदरवाइज यू विल बी रीपियर्ड ऑन दैट सब्जेक्ट जिसमें आपके नंबर कम आए हैं। तो आपको कम से कम जो है वो एटलीस्ट 50% मार्क्स ओवरऑल असाइनमेंट, जी डी बी, क्विजेज और फाइनल टर्म के मिला के आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल में फाइनल टर्म में 80 में से अगर आपके 20% मार्क्स पूरे हैं उसमें मिड टर्म्स में, ठीक है, तो फिर एटलीस्ट आपको जो है वो 80 में से 40 नंबर 50% मार्क्स आपको लाजमी गेन करने हैं, ताकि आपका ओवरऑल जो एग्रीगेट है वो आपका टोटल मार्क्स का वो 50% क्राइटेरिया वीयू का पासिंग क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके मिड टर्म में नंबर कम है, आप ये सोच रहे हैं कि शायद मिड टर्म में 20% आ गए तो फाइनल में 20% आ गए तो 40% पास, नो, ये ऐसी बात नहीं है। आपको अगर 20% मिड में है, 20% फाइनल में है, तो ये आपके 40% पहले आप फेल हो गए। अगर आपके 20% मिड में है और 30% यहाँ से फाइनल में आ जाते हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज पास। अगर आपके फाइनल टर्म में 20% से मार्क्स कम है, सॉरी मिड टर्म में, तो उसका ये एक आपको बेनिफिट होगा कि 20% से मार्क्स कम है तो उसमें असाइनमेंट, जी डी बीज और क्विजेज के मार्क्स लग के, अगर आपके मिड टर्म के मार्क्स 20% से ऊपर चले जाते हैं, अगर चले जाते हैं, तो फिर आप जो है फाइनल टर्म में ज़्यादा मेहनत करके पास हो सकते हैं। अगर आपकी मिड टर्म के नंबर मिला के, असाइनमेंट, जी डी बीज, क्विजेज के नंबर मिला के भी 20% नहीं पहुँचते, आपके फाइनल में 80% भी आ जाते हैं, तब भी आप फेल कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके नहीं बन रहे तो वो सब्जेक्ट को छोड़ दे मेरे ख्याल में, और बाकी सब सब्जेक्ट्स को तो जो दे, उसको पीयर ज़रूर करें उस सब्जेक्ट में, लेकिन तो जो ज़्यादा उसको दे। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।